हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुल्लू गुगू ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और मैं ये ब्लॉग शूट करते हुए मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आप सब देख सकते हैं रात के 2 बज रहे हैं ये अभी। ये देखिए फ्रंट कैमरा से कर रही हूँ तो ये अच्छे से दिख नहीं रहे होंगे, बट रात के 2 बज रहे हैं और मुझे अभी ये ब्लॉग शूट करना मजबूरी का ही है या जो भी का ही है मेरे साथ, क्योंकि बताती हूँ। इधर देख सकते हैं, इधर गुल्लू गुगू दोनों सोए हुए हैं अभी, और मेरा रूम का हाल देख सकते हैं अभी क्या है। सो देख लिया कितना फैला है ट्रॉली, देखकर शायद आप सब समझ गए होंगे कि मैं फिर से कहीं जा रही हूँ। तो जी हाँ, मैं फिर से कहीं जा रही हूँ और अभी हमारे 5 बजे हमारी ट्रेन है, तो हम सबको थोड़ा पैकिंग करना है। हम सबको क्या मतलब, पतिदेव जी करेंगे थोड़ा बहुत हेल्प मेरा और मुझे करना है। मैंने सारा सामान इधर निकाल के रख दिया है, बस पैकिंग करना बचा है और सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना है मुझे। तो ब्रेकफास्ट मैं एक बार बाहर चल के दिखाती हूँ आप सभी को। बाहर भी पूरा फैला हुआ है अभी, ये देखिए बाहर टेबल पे जितने भी सामान हैं सब मुझे पैक करके ले जाने हैं। इसमें मैंने रात में चावल बनाया था, रात में मतलब 8 बजे चावल बनाया था, और बाहर इसलिए रखा है क्योंकि मुझे वो फ्राइड राइस बनानी है। मैंने इधर वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं और इसे इसलिए बाहर रखा है, ये थोड़ा ठंडा होने पे चिपकता नहीं है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रख दिया है। तो ये सब मुझे सारे चीज़ों को ले जाना है, सबको अरेंज करना है। तो मैं अपने कामों में लग गई हूँ। रात के 2 बजे से पूरी रात नहीं सोई हूँ। इन लोगों को खाना खिलाकर सुला दी थी। पतिदेव जी दूसरे वाले रूम में सो रहे हैं अभी। मैं थोड़ा सा अपना सामान पैक्ड कर लेती हूँ, उसके बाद उनको जगाऊँगी। मेरी बात आप सबसे बात करते करते उधर देखिए गुल्लू जाग चुका है। सो जाओ, अभी अभी नींद टाइम है, सो जाओ। हाँ तो मैं आप सबसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, नहीं तो फिर गुग्गू भी जाग जाएगा। अभी देखिए गुल्लू हिल डुल रहा है, बार बार जाग रहा है। मैं ये सब पैक करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे, और कहाँ जाना है ये भी मैं बताऊँगी। तो आगे इस ब्लॉग में आप सब कंटिन्यू बने रहिए, और अभी तो जाने का ब्लॉग आएगा, उसके बाद जो ब्लॉग आएगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छे अच्छे आप सबको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। सो और क्या किस टाइप का ब्लॉग आप सब देखना पसंद करते हैं। सो तो चलिए मैं अपना काम, अपना पैकिंग है वो आगे करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। हे फ्रेंड्स, तो अभी 2:30 से ज़्यादा हो गया और मेरा फाइनली सारा ये पैक्ड हो चुका है। एक ट्रॉली बैग और एक ये पिटवे वाला बैग, बाकी इधर फैला है जो पहन के जाना है। इधर गुल्लू जाग गए हैं उसी टाइम, पतिदेव जी और गुग्गू अभी भी सो रहे हैं, और बस मुझे अब ट्रेन के लिए ब्रेकफास्ट और लंच ऐसा बनाना है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और चलती हूँ अपना बना लेती हूँ, क्योंकि 2:30 बज चुका है। 3 बजे तक निकलेंगे, 4 बजे निकलेंगे हम लोग। तो इधर ये सब अभी फैला है, नाश्ता बना के ब्रश व्रश करेंगे, उसके बाद ब्रश ये सब पैक करेंगे। तो मैं पहले चलती हूँ अपना नाश्ता बना लेने, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी के साथ। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली लेट हो रहा है मुझे और कैब आ रही है और हम सब बस रेडी हो गए हैं। और इधर देखिए गुल्लू गुग्गू दोनों भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं, पर्दे लगे हैं उसी में से दोनों घुस के प्रणाम कर रहे हैं। जाने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं दोनों। और थोड़ी लेट हूँ, बस हो गए, दोनों पर्दे के अंदर चले गए हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। जय भगवान। चलो बेटा पहले चलते हैं बाहर। हाँ सब निकलते हैं, बस ताला लॉक होगा, कैब आने वाली है। और ऐसे हम लोग फाइनली बैठ रहे हैं सब लोग। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली हम सब आ गए स्टेशन। देखिए गुग्गू इधर, गुग्गू और पति जाएगी। हाँ आप गिर जाओगे ना, मम्मा पकड़ के चलेगी। लखनऊ स्टेशन छोटी लाइन से हमारी ट्रेन है। Okay।
पहले चलते हैं, देखते हैं गाड़ी कितना लेट है, क्या है सो। गाड़ी आके लगी रहती है, लगी होगी, कितना चलना पड़ता है ये देखना है बस। और अभी रात का 4:30 हो रहा है, भोर सुबह का। और देखिए इतनी भीड़ है अभी स्टेशन पे, कुछ लोग सोए हैं, जिनको जहाँ जैसा काम है वैसा चल रहा है। देखिए इधर लोग बहुत सो रहे हैं, उधर चेयर्स पे बैठे हैं, और इधर भी लोग सो रहे हैं बहुत सारे, देखिए। और गुल्लू अपने पापा के साथ, और कैमरा थोड़ा, बैक कैमरा सही नहीं है तो इग्नोर कीजिएगा थोड़ी सी। क्या हुआ? गुगू को भी हाथ छुड़वा के चलना है, तो गुगू अपना हाथ छुड़वाए हुए है। देखिए अभी लग गया होता ना इससे, इसलिए मम्मा हाथ पकड़ती है। पकड़ लूं? तो ये फ्रेंड्स तो फाइनली प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, पर इतनी दूर ये ट्रेन लगाती है ना, यही प्रॉब्लम है, बहुत दूर लगाती है, बहुत अंदर में जाकर एकदम, तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, ये बड़ा गुस्सा आता है मुझे। चलो पापा जल्दी जल्दी चलो, ट्रेन चली जाएगी। और गुगू को पैदल ही चलना है, और हाथ भी नहीं पकड़ना, और चल भी नहीं रहा जल्दी से। तो फाइनली ट्रेन में आ गए, अंदर अंदर धक्का मारो अंदर। हे फ्रेंड्स तो फाइनली पूरे 5 बजे ट्रेन खुल चुकी है, और मुझे पता नहीं कौन सुबह सुबह याद कर रहा है, हिचकी पे हिचकी पे हिचकी आ रही है। और आज हिचकी आ गई, ऐसे ये ट्रेन बहुत खाली होता है, बहुत ज़्यादा खाली रहता है, और आज पूरा फुल है, देखिए सारा फुल, सभी जगह फुल है एकदम। क्यों इतना फुल है ये नहीं समझ में आ रहा है, पर पूरा फुल है ये ट्रेन। फ्रेंड्स तो फाइनली सुबह सुबह हो चुकी है, सुबह एकदम, अभी धूप नहीं निकला है, बस देखिए नज़ारा क्या है सुबह का सो। और अभी हम सब बादशाह नगर क्रॉस कर रहे हैं, सुबह का व्यू कुछ ऐसा है। हे फ्रेंड्स तो अभी हम सब सिवान पहुंचने वाले हैं, और मौसम का हाल देखिए कैसा हो रहा है, सो काला काला हो रहा है, बारिश जैसा लग रहा है, लगता है फिर से बारिश होने वाली है। उधर इन लोगों का लंच चल रहा है, गुल्लू की फ्राइड राइस, हमेशा का राइस, तो फ्राइड राइस चल रहा है पतिदेव जी का और गुल्लू का। गुगू को मैं थोड़ा सा खिला दी हूँ, बाकी हम सब तो आमलेट और ब्रेड खा लिए थे गोरखपुर में, अभी खाने का मन नहीं है मुझे, कभी नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। और ये मौसम का हाल कुछ ऐसा है अभी इधर सिवान में, तो जो भी ये वीडियो सिवान से देख रहे हैं वो कमेंट में बताइएगा कि क्या सही में बारिश हुई थी या नहीं, तो मैं तो क्रॉस कर जाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और सिवान, सिवान से याद आया, सिवान के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं जानती, बट यूट्यूब के सहारे जानती हूँ, सोशल मीडिया के सहारे जानती हूँ, जैसे मोस्ट फेवरेट मेरा सचिन, मनीषा, कुछ उम्मीद ऑफिशियल और कामनी सिंह, मैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, मैंने इन लोगों को हर जगह फॉलो कर रखा है, इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, सभी जगह इन लोगों को फॉलो कर रखा है। तो आप लोग में से कौन कौन हैं जो उन लोगों को लाइक करते हैं? मैं अपनी यूट्यूब जर्नी एक दिन शेयर की थी न्यू ईयर से पहले, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं यूट्यूब चलाना बस उन्हीं लोगों से इंस्पायर हुई हूँ, मुझे पहले मैं कैमरा को फेस नहीं कर पाती थी, तो मैं उन्हीं लोगों से सीखी हूँ यूट्यूब चलाना, यूट्यूब पे बातें करना। हे फ्रेंड्स तो बहुत दूर जो वाइट वाइट दिख रही है वो है गंगा नदी, और
अभी पास में हम नहीं आए हैं, पास में आएंगे तो दिखाती हूँ अच्छे से, अच्छा दिखेगा। अभी काफ़ी दूर है और अभी गर्मी का मौसम है तो थोड़ा गंगा सूख भी गए होंगे। देखिए ये ओवर ब्रिज पे हैं अभी हम सब, नीचे ये है और ऊपर में वो होगी रोड वाला जो होता है, जो जिस पे गाड़ी चलती है, ऊपर में ये ऊपर का है, ये नीचे ट्रैक और दूर गंगा। इतना फेन दिख रहा है, वो फेन है बालू या फेन? वो पीला पीला उतना फेन बालू दिख रहा है वैसे ऊपर, फेन होगा ये ना पीला बालू होगा, वो सब उजला जो दिख रहा है ऊंचा ऊंचा। भूलेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। हे फ्रेंड्स, तो अभी हम सब है दिग्गा घाट और ये गंगा नदी क्रॉस कर रहे हैं और नीचे खीरे ककड़ी और तारबूज का पेड़ लगा है, बहुत सारा सब्जी भी लगी है और परी मामा। हेलो हे फ्रेंड्स, तो हम सब कुछ फाइन मतलब नज़दीक में आ गए हैं और ये देखिए आगे जो दिख रही है वाइट वाइट वो बालू है जिसे हम लोग सलरेती बोलते हैं, और गंगा बीच में जो मुझे फेन जैसा दिख रहा था वो सलरेती का ही टापू बना हुआ है वो दिख रहा था, मुझे लगा कि वो फेन है इतना गंगा में, बट फेन नहीं है वो। और कितना वो लग रहा है एकदम राजस्थान जैसा, यहाँ पे बालू में फील करवा रहा है, ऊंचा नीचा बालू एकदम प्लेन, और नीचे देखिए कुछ नाव भी है। कौन कौन है जो नाव की सवारी किए हैं वो कमेंट में बताइएगा, मैं की हूँ बट मुझे बहुत डर लगता है, मैं बनारस गई थी तो गंगा के पास की थी बट मुझे बहुत डर लगता है। हे फ्रेंड्स, तो ये देखिए कितना सारा नाव लगा है, सब ये बालू निकालने वाले नाव हैं। तो फाइनली अब हम लोग गंगा को क्रॉस कर चुके हैं, मैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही हूँ। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली हम सब आ चुके हैं पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन, गुड्डू इधर है, दिल्लू जेडी सब लोग आ गए हैं, कॉल करना है। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली पहुँच चुके हैं घर और ये हमारा बगीचा है जहाँ पे मेरा बचपन बीता है थोड़ा बहुत खेलते हुए, और ये वो बड़ी माँ का घर है परी का, यहाँ पे भैया थे तो हम सब ने भैया को प्रणाम किया, और गुल्लू जाएगा, आप सबको दिखा नहीं बट गुल्लू गया था पैर छू के प्रणाम करने, और ये परी की डॉग झिम्मी है जो देखते ही हम लोग को घर तक गया था छोड़ने, पीछे पीछे आ गया ऐसे करते हुए। तो ये गुल्लू और पतिदेव जी चल रहे हैं, और देखिए फाइनली हम लोग घर पहुँच गए, चलते हैं अंदर देखते हैं कौन कौन है। सो और आज कौन लेने आए थे तो आप सबको मैंने बताया ही नहीं, तो आज लेने आए थे हमें परी के मामा जो यहीं पे रहते हैं, तो आज वही लेने गए थे क्योंकि भैया थोड़ा थके हुए थे, भाई था नहीं, वो अपने दोस्तों के यहाँ था तो नहीं जा पाया था, तो फाइनली हम सब आ गए। तो चलिए आगे के ब्लॉग में बने रहिए आप सब, और देखिए कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं आ चुकी मायके, और ये देखिए आते ही क्या हाल करती हूँ मैं भाई के रूम का। सब तो क्यों आई हूँ मैं यहाँ आज वो जानने के लिए आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करना होगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सबको पता चले कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, जो पुराने हैं उनको तो ऐसे भी वो देखेंगे तो पता ही चल जाएगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। सो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, आज का ब्लॉग कैसा लगा ये कॉमेंट में बताइएगा, और मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तो बाय, टेक केयर।